Hello friends, this is Vivek Chand, the English expert, and from today I'm just going to start the class. और मैं जो लूँगा वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपके लिए काफ़ी कंपटीशन में और बाकी के एग्जामिनेशंस में जो भी आपके सिलेबस से रिलेवेंट हैं उन एग्जामिनेशन में दैट टॉपिक इज़ सो मच यूज़फुल फॉर यू। और मैं अब ग्रामर की जो सीरीज़ जो आपके लेने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले आपके लिए यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी बेसिक नॉलेज हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे वो हम पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन से लेकर के आर्टिकल और फिर उसके बाद डिटरमिनेंट्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो वॉट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या। देखिए स्पीच, इफ आई जस्ट आस्क यू दैट व्हाट इज स्पीच, देन इन योर ओपिनियन और इन योर व्यूज यू विल से ओनली वन थिंग दैट स्पीच, स्पीच इज जस्ट लाइक अ साउंड, स्पीच स्पीच इज ओनली साउंड। और समवन से समवन दैट इज स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट साउंड, साउंड इज अ वर्ड, स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज अ वर्ड, पार्स पार्स इज अ वर्ड, वर्ड ऑफ ऑफ इज अ वर्ड, स्पीच स्पीच इज अ वर्ड, देन स्पीच स्पीच इज इक्वल्स टू ओनली वर्ड, स्पीच इज इक्वल्स टू ओनली वर्ड। स्पीच जो होती है वो आपकी सिर्फ क्या होती है, दैट इज डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड, यानी कि हमारे क्या हो जाते हैं दैट इज शब्द। तो स्पीच जो निकल के आती है सेंस में, स्पीच हमारी क्या निकल के आती है, देखिए यहाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्पीच विच इज गिवन इन एनी यू कैन से फंक्शन, एनुअल फंक्शन है, फेयरवेल है, किसी से उस सब में जो स्पीच दी जाती है, कोई भी डे सेलिब्रेट होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे है, तो वहाँ जो स्पीच दी जाती है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट स्पीच, ठीक है, उस भाषण की बात नहीं हो रही है यहाँ। या पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में, स्पीच ग्रामर में होते हैं आपके वर्ड्स, ठीक है। अब वर्ड को क्या हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ड्स को पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वर्ड को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ड्स के टाइप्स हो जाते हैं, वर्ड्स के टाइप क्या हो जाते हैं, देखिए मोनोसिलेबिक हो जाता है, मोनोसिलेबिक आपका वर्ड हो जाता है, डाइसिलेबिक आपका वर्ड हो जाता है, ट्राइसिलेबिक आपका वर्ड हो जाता है, और तीन से ज़्यादा सिलेबल्स हो तो वो पॉलीसिलेबिक आपका पॉलीसिलेबिक आपका वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो वर्ड्स अगर बात करें तो वर्ड्स तो इस तरह से आपके टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, बट हियर आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट टाइप्स, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट्स। तो वर्ड्स के पार्ट्स क्या होते हैं, तो वर्ड्स के पार्ट्स क्या होते हैं, इन विच फॉर्म द वर्ड इज जस्ट गोइंग टू बी यूज इन अ सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट, इन विच फॉर्म द वर्ड इज जस्ट गोइंग टू बी यूज, दैट इज द काइंड ऑफ दैट इज द फॉर्म ऑफ दैट वर्ड, ठीक है, एंड दैट इन सम अदर मैनर दैट इज कॉल्ड पार्ट्स, ठीक है। शब्द सेंटेंस में स्टेटमेंट में जिस फॉर्म में यूज होगा, जिस फॉर्म में यूज होगा वो फॉर्म आपकी क्या होगी, पार्ट्स कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो यहाँ मैंने लिया आपका देखिए सेंटेंस, सेंटेंस में सेंटेंस क्या होता है, आपका एक कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स का एक कंस्ट्रक्शन होता है, सिंटैक्स होती है सेंटेंस के अंदर, तो सेंटेंस में एलिमेंट्स होते हैं, सेंटेंस में जनरली क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट, एक कॉम्प्लीमेंट और एक एडजंक्ट, ठीक है, एस ओ एस वी ओ सी ए सबों का जैसे हम बोल दिया जाता है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी वर्ड्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं। आप एस फॉर क्या हुआ आपका, दैट इज सब्जेक्ट, वी फॉर आपका क्या हुआ, दैट इज वर्ब, ओ फॉर आपका क्या हुआ, दैट इज ऑब्जेक्ट, सी फॉर आपका क्या हुआ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, एंड ए फॉर दैट इज एडजंक्ट, एडजंक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट इज नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं पहले से, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट के रूप में आपके जो फ्रेज होती हैं वो भी यूज हो जाती हैं, इन्फिनेटिव है वो भी यूज होते हैं, क्लॉज हैं वो भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट आपके नाउन और प्रोनाउन के रूप में, वर्ब की फॉर्म आपकी यही रहेगी, वर्ब की फॉर्म देखिए वर्ब क्या होती हैं
वर्ब स्टेट को शो करती हैं, नाउन के स्टेट को शो करेंगी, या फिर एक्शन को शो करेंगी, या फिर टाइम के स्टेट को शो करेंगी, या फिर नाउन की पोजीशन को शो करेंगी। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता है? वर्ब। हम वर्ब की जो डेफिनेशन लेते हैं ना कि द डूअर इज डूइंग समथिंग, दैट इज़ वर्ब, नॉट दैट इज़ नॉट वर्ब, दैट इज एक्शन वर्ब, दैट इज मैन वर्ब, दैट इज नॉट वर्ब। वर्ब ऑलवेज जस्ट डिनोट्स द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है, अवस्था बताती है। पोजिशन ऑफ अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की पोजिशन को बताती है। डिनोट टाइम ऑल्सो, वर्ब जो है वह टाइम को भी डिनोट करती है। तो वर्ब जो है उसके फंक्शंस कई सारे हो जाते हैं। वो वर्ब, अब देखिए वर्ब भी दो तरीके की हो जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ द फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड वन इज़ द नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो मैन वर्ब के रूप में होती है, और दूसरी होती है आपके ऑक्सिलरीज। अब मैन वर्ब जो होती हैं वो दो तरीके की हो जाती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो आपकी दो तरीके की हो जाती हैं, एक सिंपल ऑक्सिलरीज कुल मिला के 11 होती हैं, एक मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि 13 होती है। इस तरह से ऑक्सिलरीज कुल मिला के 24 हो जाती हैं। ये तो आपकी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जिन पर सब्जेक्ट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती हैं। नॉन फाइनाइट पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आफ्टर दैट इन्फिनेटिव दो होते हैं, फुल इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। आफ्टर दैट थर्ड वन इज द जीरंड जो कि नाउन के रूप में यूज होता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें बोर्ड पर ही देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ बात कर रहा था वर्ब आई, तो इसलिए मैंने आपको समझाया है। आप देखिएगा यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में हम बातें करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सेंटेंस में हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी नाउन या प्रोनाउन को लिए हुए होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो हमारे नाउन होते हैं। एक वर्ड किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है, एक वर्ड शब्द, कोई एक शब्द किसी नाउन को डिफाइन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन एक नाउन यदि दूसरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, एक नाउन दूसरे नाउन को डिफाइन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे मैं कहूँ एक एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल, राम इज इंटेलिजेंट, ये मैंने लिया, ठीक है। तो इंटेलिजेंट जो है वो हमारा एक वर्ड है जो कि राम को डिफाइन कर रहा है, राम को बारे में बता रहा है, तो राम हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यदि मैं दूसरा लूँ, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, तो यह डॉक्टर जो है वो नाउन है, ठीक है, किसको डिफाइन कर रहा है? अगेन राम को, जो कि नाउन है। तो ये आपका क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट आपके क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट भी आपके नाउन ही होते हैं। अब बात करें एडजंक्ट की, एडजंक्ट क्या होते हैं आपके? दैट इज एडवर्ब जो कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज एडजेक्टिव। यानी एडजंक्ट आपके दो तरीके के हो गए, फर्स्ट जो कि एडवर्ब जो कि वर्ब को मॉडिफाई करे, दूसरा एडजेक्टिव जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक कोई भी हम सेंटेंस देखते हैं तो सेंटेंस में हमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। अब दो नाउन हैं किसी सेंटेंस में, उनके बीच में यदि रिलेशन शो हो रहा है, उनके बीच में रिलेशन से मतलब है मून मीन है मूड है, ये आपके जो सेंसेस हैं वो निकल के आ रहे हैं। यदि दो नाउन के बीच में कोई रिलेशन को शो किया जाता है तो वो रिलेशन कैसे शो होता है? वो शो होता है प्रेपोजिशन से। कैसे? प्रेपोजिशन से। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब दो नाउन हैं, वहाँ रिलेशन शो नहीं करना, दो नाउन को हमें जोड़ना है, दो सिंगुलर नाउन है और उनको जोड़ दिया तो प्लूरल हो गए, ठीक है। तो दो नाउन है उनको हमें जोड़ना है, तो संयोजक का काम कौन करता है? नाउन प्रोनाउन, दो डिफरेंट प्रोनाउन है, दो डिफरेंट नाउन है या दो से ज़्यादा हैं, दो डिफरेंट वर्ब हो गई हमारी, ठीक है, या फिर एडवर्ब भी जनरली जॉइन हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से हम शो करें? तो वो या फिर देखिए दो फ्रेजेस वाक्यांश हैं, ठीक है, या फिर क्रॉस उपवाक्य हैं, दो स्टेटमेंट क्यों ना हो, तो उनको जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? दैट इज कंजक्शन, दैट इज कंजक्शन, जिन्हें कि हम संयोजक बोलते हैं। गॉट इट? आफ्टर दैट नेक्स्ट, ये पूरा एक सेंटेंस हम यहाँ से मैं कॉमन चीज अभी लूंगा, ठीक है, यहाँ से पूरा हमारा ये एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। अब जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो सेंटेंस का काम क्या होता है? सेंटेंस का काम ये नहीं है खाली लिख दिया, सेंटेंस का काम होता है टू एक्सप्रेस सम आइडिया, टू एक्सप्रेस सम आइडिया, टू एक्सप्रेस सम थॉट, टू एक्सप्रेस सम ओपिनियन। सेंटेंस का काम ये होता है, सेंटेंस इसीलिए लिखे जाते हैं, सेंटेंस इसीलिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ आइडिया थॉट की बातें हो रही हैं,
ठीक है। तो देखिएगा आइडिया और थॉट को जब एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो काय के द्वारा किया जाएगा, इंटरजेक्शन के द्वारा। काय के द्वारा किया जाएगा, इंटरजेक्शन के। तो वो आइडिया जो एक्सप्रेस होता है स्टेटमेंट के अंदर वो काय से शो होता है, वो इंटरजेक्शन से शो होता है। तो अब मैं इसमें से जो कॉमन फैक्ट्स हैं मैं उनको ले लेता हूँ। फर्स्ट वन इज द नाउन, सेकंड वन कॉमन इज दैट इज प्रोनाउन, नेक्स्ट जो डिफरेंट है वो है वर्ब, फिर उसके बाद वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब, फिर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्ट, ओके, फिर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव, दो नाउन के बीच में रिलेशन शो करने के लिए प्रेपोजिशन, दो डिफरेंट नाउन को जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट वर्ब को जोड़ने के लिए, दो डिफरेंट प्रोनाउन को जोड़ने के लिए कंजक्शन, और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है इन सारी चीज़ों के साथ में तब आपको एक्सप्रेस करना होता है आइडिया, तो वो आपका इंटरजेक्शन, ठीक है। तो हमारे कुल मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने निकल के आए, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो एक सेंटेंस में जो मेरा एक यहाँ आइडिया था कहने का वो ये था कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में आपके एलिमेंट्स होते हैं। अब वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने एक पार्ट्स में शो होते हैं। अब वो पार्ट्स क्या हो जाते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रेपोजिशन कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हमारे कुल कंप्लीट कितने हो जाते हैं, टोटल कंप्लीट 8। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ नाउन को। सबसे पहले हम नाउन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा नाउन, नाउन को डिफाइन करने से पहले नाउन, नाउन देखिए नाउन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ एन, एन से मतलब हो गया आपका नेम, और ये नेम किसका होगा, किसी एक पर्सन का कोई नाम होगा, किसी प्लेस का कोई नाम होता है, किसी थिंग का कोई नाम होता है, ठीक है। तो जनरली ये नेम होते हैं। तो नाउन क्या होते हैं, एन, एन फॉर नाउन और एन फॉर नेम। नाउन क्या होते हैं, नेम होते हैं, किसके होते हैं, पर्सन के, प्लेस के और थिंग के। तो डेफिनेशन निकल के आ जाती है, क्या डेफिनेशन निकल के आ जाती है, अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। मैं दोबारा बोले देता हूँ, अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। मैं बात करूँगा यहाँ क्लासेस ऑफ नाउन की। क्लासेस ऑफ नाउन, क्लासेस हिंदी में आप जानते होंगे वर्गीकरण कहलाता है। तो यहाँ मैं नाउन को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितने पार्ट में नाउन हो जाते हैं, आपको 5 बताने की जरूरत नहीं है कि 5 होते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लासेस, नॉट टाइप्स ऑफ नाउन, नॉट काइंड्स ऑफ नाउन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली हेयर क्लासेस ऑफ नाउन। तो नाउन की जो क्लासेस होती हैं देखिए कितनी हो जाती हैं, दैट इज 2। फर्स्ट वन इज कंक्रीट एंड सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है विच कैन बी सीन एंड टच्ड, कंक्रीट का मतलब हो जाता है विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसे देखा जा सके और जिसे छुआ जा सके। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो जाता है एन आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट को हम एक आइडिया के रूप में ले सकते हैं। तो हम क्या कहें, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट ओनली फेल्ट, बट ओनली फेल्ट। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट निकल के आया कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब क्या निकल के आया, द नाउन विच कैन बी सीन एंड टच्ड, यानी जिन्हें देखा जा सके छुआ जा सके वो आपके कंक्रीट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या निकल के आया, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिन्हें ना तो देखा जा सके ना छुआ जा सके, ठीक है, सिर्फ फेल्ट यानी कि महसूस किया जा सके। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब ये जो कंक्रीट है, ये जो कंक्रीट है इनको देखिए हिंदी में बोल देते हैं मूर्त और इनको बोल देते हैं अमूर्त, ठीक है। अब ये कंक्रीट नाउन है ना, ये अपने टाइप्स में चेंज होते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज द प्रॉपर, पहला आपका कौन सा हो जाता है, पहला हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो पहला आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन में क्या होता है, सिर्फ नेम चलते हैं, जैसे मैंने लिख दिया राम है, सीता है, ठीक है, टॉमी है, आगरा है, इस तरह से। दूसरा हो जाता है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में क्या हो जाता है, कॉमन नाउन में इनकी जाति, जातिवाचक बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ जाति को शो नहीं करेंगे, यहाँ इनकी
एक तरह से स्पीसीज को, एक तरह से कैटेगरी को शो करता है। जैसे राम है, राम या तो बॉय होगा या मैन होगा, ठीक है। सीता है या आपकी गर्ल होगी या फिर कोई वुमेन होगी। टॉमी है, दैट इज डॉग, ठीक है। आगरा है, दैट इज अ प्लेस। तो इस तरह से कॉमन नाउन जो हैं, जो नाम होते हैं, उनकी एक तरह से कैटेगरी को शो कर देते हैं या फिर कहीं स्पीसीज को शो कर देते हैं। इसके बाद हमारे जो आते हैं तीसरे नेक्स्ट आते हैं, वो है हमारे कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन होता है इनमें, कलेक्टिव नाउन यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, उनको एक कलेक्शन के रूप में, एक यूनिट के रूप में शो कर दिया जाता है। जैसे कि आर्मी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्जर्स होंगे यहाँ आर्मी में, ठीक है। स्टाफ है, जैसे कि तो अब स्कूल में स्टाफ होता है, कॉलेजेस में स्टाफ्स होते हैं, तो वो स्टाफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स होते हैं, तो उनको मिलाकर के स्टाफ हो जाता है। फर्नीचर है, जैसे कि ठीक है, फर्नीचर में आपके चेयर्स भी इंक्लूड है, टेबल्स भी इंक्लूड हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं फर्नीचर में, जनरली बिलोंग टू वुड, तो वो आपका फर्नीचर हो जाता है। नेक्स्ट आपका होता है मटेरियल। मटेरियल में आपके ऑयल भी आ जाता है आपका मटेरियल में, ठीक है। और आपका जो ये आयरन है, गोल्ड है, वुड है, सॉयल है, सैंड है, ये सब आपके मटेरियल में इंक्लूड हो जाते हैं। तो कितने हो गए हमारे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल, फोर, एंड फिफ्थ वन इज द एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह से ये नाउन जो हैं वो पांच तरीके के आपके हो जाते हैं। तो वैसे हम बात करते हैं, मेनली जो बोला जाता है वो बोला जाता है क्लासेस ऑफ नाउन। नाउन की क्लासेस को हम देखते हैं, वो हो जाती है आपकी कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट जैसे कि ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन सॉरी कंक्रीट जैसे कि हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जैसे ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कंक्रीट को आप चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। प्रॉपर में आपके सिर्फ नेम एंड वो चलते हैं, कॉमन जो है उनमें उसकी कैटेगरीज या स्पीसीज आ जाती हैं, कलेक्टिव में कलेक्शन ऑफ नाउन्स आ जाता है, मटेरियल में मैटर आता है, ठीक है। और पाँचवा अमूर्त संज्ञा आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ही है। इस तरह से ये आपका डिवीजन ऑफ नाउन्स था। बाकी के हम केसेस ऑफ नाउन को हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग और कीप वॉचिंग। थैंक यू।